नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वेक्सपर्ट न्यूज। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फिर हुई फायरिंग। बाल बाल बचे डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप पे फ्लोरिडा गोल्फ क्लब में AK-47 जैसी राइफल से फायरिंग की गई। सीक्रेट सर्विसेज ने कहा कि ट्रंप अभी सुरक्षित है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप अक्सर फ्लोरिडा में अपने गोल्फ कोर्स गोल्फ खेलते हैं। वहीं ट्रंप गोल्फ क्लब में खेल रहे थे, तभी उन पर यह हमला हुआ। घटना की जांच की जिम्मेदारी अभी FBI को दी गई है। FBI ने कहा कि वो इस घटना को हत्या की कोशिश के तौर पे देख रहे। संदिग्ध के पास से एक नली वाली AK-47 जैसी राइफल और एक GoPro कैमरा था। संदिग्ध की पहचान 58 साल के रायन रॉथ के तौर पर हुई। वहीं FBI के कहा कि एक सीक्रेट सर्विस एजेंट द्वारा हमलावर की ओर गोली चलाए जाने के बाद उसने राइफल फेंक दी और एक SUV में वहां से भाग निकला। हालांकि बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले पेनसिल्वेनिया में 13 जुलाई को एक चुनावी रैली के दौरान पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को निशाना बनाते हुए एक बंदूकधारी ने गोलीबारी की थी। इस मामले में एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूकर निकल गई थी। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।